एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई जब प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रोजगार दिवस के अवसर पर घूमा कटरा नवीन औद्योगिक क्षेत्र का भूमि पूजन वर्चुअली किया। जिले के त्योथर तहसील के घूमा के औद्योगिक क्षेत्र में 25 हेक्टेयर में आवंटन योग्य 1,11,168.89 वर्ग मीटर भूमि के 53 प्लॉट में उद्योग लग सकते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिला स्तरीय पर्यटन में सीहोर जिले के बुधनी से औद्योगिक क्लस्टर एवं रोजगार दिवस आयोजन को संबोधित किया। इस दौरान MSMI मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभु राम चौधरी उपस्थित रहे। जिला प्रशासन एवं MSME विभाग के संयुक्त तत्वाधान में वृंदावन गार्डन में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित करते हुए सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि घूमा कटरा का औद्योगिक क्षेत्र रीवा के औद्योगिक क्षेत्र के बराबर का औद्योगिक क्षेत्र होगा। यह दिन त्योथर तहसील के साथ जिले के लिए एक उपलब्धि है। सिंचाई सुविधाओं का लाभ मिलने तथा उद्योगों की स्थापना से रीवा को नई उड़ान मिलेगी। उन्होंने बैंकर्स से अपेक्षा की है कि युवाओं को उद्योग स्थापना हेतु ऋण दें, क्योंकि ऋण देने से उसका परिवार सक्षम बनता है। श्री मिश्र ने कहा कि स्वरोजगार व उद्यम व्यवसाय से जिले में बेरोजगारी समाप्त करने में सफलता मिलेगी। इस अवसर पर पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ले ने कहा कि जिले में मजबूत अधोसंरचना बन जाने से उद्योग स्थापना का कार्य शुरू हो रहा है। रीवा औद्योगिक क्षेत्र के तौर पर आगे आएगा और यहां पर्यटन कृषि के साथ उद्योग स्थापना से बेरोजगार को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने जिले के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। घूमा कटरा का नवीन औद्योगिक क्षेत्र रीवा का तीसरा औद्योगिक क्षेत्र होगा, जहां सभी सुविधाओं की पूर्ति कराई जाएगी ताकि उद्यमियों को उद्योग स्थापना में आसानी हो। कार्यक्रम में त्योथर विधायक श्याम लाल द्विवेदी ने कहा कि त्योथर विधानसभा के साथ ही यह उपलब्धि जिले के लिए है। जब घूमा कटरा के नवीन औद्योगिक क्षेत्र का भूमि पूजन हो रहा है, उन्होंने इस सौगात के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री, संबंधित विभागीय मंत्री, प्रशासनिक अधिकारियों व विभागीय अधिकारियों को धन्यवाद दिया। श्री द्विवेदी ने कहा कि उद्यम स्थापित से स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और त्योथर क्षेत्र आर्थिक तौर पर संपन्न होगा। इस अवसर पर कमिश्नर रीवा संभाग अनिल सुचारी ने कहा कि नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना क्षेत्र के विकास के लिए वरदान है। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया है कि धैर्य के साथ लक्ष्य लेकर कार्य करें, सफलता अवश्य मिलेगी। कार्यक्रम में कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा कि रीवा जिले के लिए औद्योगिक एवं आर्थिक विकास का यह सही समय है। इस समय उद्यम स्थापना से रीवा का सर्वांगीण विकास होगा। उन्होंने कहा कि घूमा कटरा का औद्योगिक क्षेत्र आदर्श औद्योगिक क्षेत्र बनेगा। कलेक्टर ने आश्वस्त किया है कि उद्यम स्थापना में प्रशासनिक स्तर से हर संभव मदद एवं सहयोग दिया जाएगा। कार्यक्रम को यूनियन बैंक के महाप्रबंधक मार्कंडेय यादव एवं SBI के रीजनल मैनेजर शिव कुमार ने भी संबोधित किया। युवा उद्यमी गिरीश तिवारी ने अनुभव साझा किए। इससे पूर्व उद्योग विभाग के महाप्रबंधक UB तिवारी ने बताया कि प्रदेश स्तरीय रोजगार दिवस औद्योगिक क्लस्टर विकास सम्मेलन में रीवा जिले को घूमा कटरा के नवीन औद्योगिक क्षेत्र की सौगात मिली है। उन्होंने बताया कि गत एक माह में जिले में 1,229 युवाओं को स्वरोजगार स्थापना के लिए 34 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण दिया गया है। उन्होंने बताया कि घूमा कटरा औद्योगिक क्षेत्र नेशनल हाईवे 30 से लगा हुआ है, जिसकी रीवा एवं प्रयागराज से दूरी 65 किलोमीटर है। औद्योगिक क्षेत्र के मध्य में 133 केवी का पावर हाउस पूर्व से निर्मित है। औद्योगिक क्षेत्र को 1,339.52 लाख रुपए से विकसित किया जाएगा, जिसमें अभी 25 इकाइयां उद्योग स्थापना हेतु तत्पर हैं, जिसमें लगभग 29,600 लाख का पूंजी नियोजन होगा एवं 4,500 लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा। जिला स्तरीय कार्यक्रम में उप संचालक रोजगार अनिल दुबे, LDM संजय निगम सहित औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि, उद्यमी, युवा हितग्राही, विभागीय अधिकारी व स्थानीय जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम में हितग्राहियों को ऋण लाभ के चेक प्रदान किए गए।